इस वक्त की बड़ी खबर से जो कोरबा से मिल रही है, गार्ड को बंधक बनाकर 31 लाख की लूट की गई है। सैनिक माइनिंग कैंप के गार्ड को बंधक बनाया गया। तीन नकाबपोश बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। कर्मचारियों के वेतन भुगतान करने के लिए पैसे रखे हुए थे और दीपका थाना क्षेत्र से एसीबी कंपनी का पूरा मामला है, जहां पर गार्ड को बंधक बनाकर 31 लाख रुपए की लूट की गई है। लाशी की लूट की गई है। दीपका थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मनोज यादव जुड़ गए हैं। मनोज, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? वो दीपका थाना अंतर्गत जो है एसबी कंपनी में जो है रात को 1 बजे लगभग नकाबपोश लोगों ने जो है डकैती की घटना को अंजाम दिया है, जहां एसबी कंपनी के जो सैनिक माइनिंग कैंप में जो है रात 1 बजे नकाबपोश पहुंचे, जहां सुरक्षा गार्डों को जो है बंधक बनाकर उनकी जमकर पिटाई की गई। उसके बाद जो लॉकर पर रखे हुए 31 लाख रुपए उसे उन्होंने लेकर फरार हो गया। मामले की सूचना जो है पीड़ित ने संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों को दी, संबंधित थाने को दी, जहां एसपी अभिषेक सिंह मीणा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर मौके पर पहुंचे हुए हैं, जहां आरोपियों तक पहुंचने के लिए डॉग स्क्वाड और जो फिंगर्स टीम को जो है बुलाई गई है। और आशंका व्यक्त किया जा रहा है कि जो भी घटना को अंजाम दिए वो जानदार ही है और जो है संबंधित इसकी पैसे पर कारी थी। और जो एसबी कंपनी में जो पैसे जो रखे हुए थे वो संबंधित जो कर्मचारी है उनको जो वेतन देने के लिए रखे हुए थे। जी चलिए, आप नजर बनाए रखिएगा। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया मनोज आपका। उत्तर प्रदेश